भारत और सऊदी अरब के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और यह सदैव सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हमारे लोगों के बीच के घनिष्ठ और निकट संपर्क हमारे देशों के लिए एक सजीव सेतु यानी लिविंग ब्रिज है। हिज मैजेस्टी की और रॉयल हाइनेस आपकी व्यक्तिगत रुचि और मार्गदर्शन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और भी प्रगाढ़ता, मधुरता और शक्ति आई है। आज 21वीं सदी में सऊदी अरब भारत के सबसे मूल्यवान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है। ये हमारे विस्तृत पड़ोस में है, एक करीबी दोस्त है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। 2016 में सऊदी अरब की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को विशेष रूप से ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में कई नए आयाम दिए थे। आपसे अर्जेंटीना में 2 माह पहले हुई मुलाकात के परिणाम स्वरूप सुरक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सार ने नया विस्तार लिया है। मुझे खुशी है कि आपके सुझाव की रूपरेखा के अनुसार हम द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं। इनसे हमारे संबंधों को मजबूती, गति और प्रगति का लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय संबंधों के सभी विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। हमने अपने आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। हमारे अर्थतंत्र में सऊदी अरब से संस्थागत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हम एक ढांचा स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी अरब के निवेश का स्वागत करता हूं। योर रॉयल हाइनेस, आपके विजन 2030 और आपके नेतृत्व में हो रहे आर्थिक सुधार भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के पूरक है। हमारे ऊर्जा संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करने का समय आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सऊदी अरब की भागीदारी हमारे ऊर्जा संबंधों को बायर सेलर रिलेशन से बहुत आगे ले जाती है। हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।